हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, व्हिच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो यहाँ पे हम लोग का आज होने वाला है डे नंबर 4, जहाँ पे हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके पेपर के अंदर पूछे गए हैं। तो क्लास की करेंगे शुरुआत बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। सिर्फ एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि आपका जो 10:30 बजे और जो 2 बजे क्लास हो रहा है, ये दोनों क्लासेस आपके अन अकेडमी पे होते हैं, जिसके अंदर 10:30 बजे आपका UPSI स्पेशल चल रहा है, जिसके अंदर IPC वगैरह आपको पढ़ाया जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं। और जो 2 बजे का क्लास है वो आपके JEE का मॉक टेस्ट चल रहा है, जिसके अंदर आपको करेंट भी मिलेगा, GS के सारे सब्जेक्ट्स आपको वहाँ पर कम्बाइंड फॉर्म में मिलेंगे। तो इन सीरीज़ को मिस मत करिए, इस पूरे वीक में अच्छी तरीके से अपना रिविजन कर लीजिए, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो और भी ज़्यादा बेटर हो सके। सेकेंडली, आप सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, करेंट अफेयर्स का जो क्लास है ये आपका 6:45 शार्प होता है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका क्लास रहता है, इसके अंदर आपको मैक्स टू मैक्स हर एक चीज़ कवर करा दी जाती है, जो किसी भी सेक्शन से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो आपका मैपिंग का पार्ट हो, चाहे स्टैटिक जीके हो, एवरीथिंग विल बी कवर। ठीक है, चलिए तो करेंगे क्लास की शुरुआत। एक बार से क्लास के लिंक को क्या यार लाइक और शेयर करने की भी होती है, राइट। चलिए, पहला सवाल आपके सामने। पिछले वाले क्लास में, आई थिंक 2 क्लास पहले की बात है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि भगवान विष्णु से जुड़े हुए जो डांस फॉर्म्स होते हैं या जो फेस्टिवल्स होते हैं, वो यूजुअली पेपर के अंदर बनते हैं। और ये देखिए, सवाल ऑलरेडी पूछा गया है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है और ये डेडिकेटेड है भगवान विष्णु के लिए। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर होगा ओनम फेस्टिवल। अगर आपसे पूछा जाए विशु फेस्टिवल जो है ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी केरला में होता है। ओनम फेस्टिवल जो है इसको भी केरला के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। अगर कभी आपसे कहा जाए कि यहाँ पे कौन सा डांस फॉर्म है, तो डांस फॉर्म कथकली तो है ही, साथ में मोहिनी अट्टम, ये दोनों डांस फॉर्म आपको केरला से मिलेंगे। जन्माष्टमी इज़ वेरी कॉमन, ये आपके नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लाइक फेमस तरीके से सेलिब्रेट होती है। और जन्माष्टमी की अगर आप बात करेंगे, तो ये ब्रज नाम की जो जगह है, मथुरा का नाम आप सबने ही सुना होगा, तो वहीं पर आपको सबसे ज़्यादा ग्रैंड लेवल पर जन्माष्टमी देखने को मिलेगी। बिहू फेस्टिवल आप सबको पता है कि आसाम के अंदर सेलिब्रेट होता है, एक साल में 3 बार इसका आयोजन किया जाता है। कुंभ की बात करोगे तो ये 4 जगह पर होता है, और ऑब्वियसली बात है यहाँ पर 12 साल में 1 बार। तो यहाँ पर जगह कौन सी है? नासिक हो जाएगा, हरिद्वार है, प्रयागराज है, एक और बचा, वो आप आंसर करके बताओगे। ठीक है, आंसर करके बताना, गड़बड़ मत करिएगा। ओके, चलो बता देते हैं यार, उज्जैन है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे, नासिक गोदावरी, हरिद्वार गंगा और प्रयागराज दैट इज संगम। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। एज ऑफ फेब 2019, हु वॉज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के चेयरपर्सन का नाम, तो इसका आंसर बन जाएगा राजीव कुमार, इंपॉर्टेंट नाम है। शक्तिकांत दास जी कौन है? तो ये गवर्नर हैं, किसके? RBI के। कौन से नंबर के? 25th नंबर के। और अभी रिसेंटली इनका जो टेन्योर है उसको 3 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा उर्जित पटेल, ये भी गवर्नर के रूप में काम कर चुके हैं RBI के अंदर, बट अभी प्रेजेंट टाइम पे इनके पास में ऐसा कोई पोस्ट नहीं है। सवाल, रिसेंटली इनकी एक किताब आई थी, उस किताब का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। अगला सवाल, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज अ, भारत के संविधान के हिसाब से अगर हम इंडिया को देखते हैं तो इंडिया एक तरीके से क्या कहलाता है, या फिर इंडिया जो है वो किसी चीज़ का ग्रुप है, या इंडिया जो है वो एक फेडरल कंट्री है, क्या चीज़ है? तो इंडिया जो है इसे बोला जाता है यूनियन ऑफ द स्टेट। आप सबको पता है कि इंडिया के अंदर यूनिफिकेशन हुआ था, यानी कि पहले क्या था, निज़ाम्स अलग रूल करते थे, मराठा अलग रूल करते थे, जम्मू कश्मीर को अलग रूल किया जाता था, तो बहुत सारी डायनेस्टीज़ हुआ करती थी जो अपने अपने एरिया को रूल करती थी। लेकिन इन सभी एरिया को एक साथ में जोड़ के क्या बनाया गया? भारत बनाया गया, या फिर इंडिया के अंदर इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। अब ये यूनिफिकेशन किया किसने था? तो यूनिफिकेशन किया गया वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा, इसीलिए इनको यहाँ पर इतना ज़्यादा जाना जाता है, और इनको यहाँ पर आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो इंडिया है ये क्या है? राज्यों का एक संघ है। और जब आप देखोगे Article No. 1 या Article No. 1 से 4 के बीच में, तो वहाँ पे आपको इन सब की डेफिनेशन भी मिलती है। अगला सवाल, वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका सिंपल आंसर, दैट इज 7th अप्रैल को मनाया जाता है। 1948 में WHO की स्थापना होती है। ये सवाल देखो बन सकता है, दोबारा से रिपीट हो सकता है, क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में टेड्रोस अंकल जो है इनका टेन्योर बढ़ाया गया है ना, क्योंकि टेड्रोस अंकल ने बोला है
टारगेट इज नॉट येट अचीव्ड, याद आया कुछ? तो ये ध्यान रखिएगा। अगला, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ये गांधी जी ने कौन से ईयर में लॉन्च किया था? अब देखो, असहयोग आंदोलन जो है इसको लॉन्च किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में, तो ये टाइम पीरियड क्या होगा? 1920 में इसको लॉन्च किया जाता है और चौरी चौरा कांड होने के बाद में इसको बंद कर दिया जाता है। तो दोनों टाइम आपको मालूम होने चाहिए। अगला, इंडियाज ओनली सेल ट्रेनिंग शिप कहाँ पर या फिर पर्टिकुलरली कौन से वाले INS के ऊपर ये परफॉर्म करी जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तारंगिनी। अगर पूछा जाएगा तो आपसे INS विराट पूछ सकते हैं, या फिर INS विक्रमादित्य के ऊपर सवाल बनेगा, या आपसे ज़्यादा से ज़्यादा INS एरावत के ऊपर क्वेश्चन बना सकते हैं, इसके बाहर नहीं जाएगा क्योंकि ये लिमिट है। मतलब यही वो चीज़ें हैं जो अभी हाल ही में चर्चा में नहीं है। अगला, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, Amazon is flowing through longest river and the largest river. अगर आपसे कहा जाता है कि पूरी दुनिया की longest river बताइए, तो आप बोलेंगे नाइल रिवर। कहाँ पर है? अफ्रीका के अंदर है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा था Amazon, और ये longest नहीं है, एक्चुअली ये largest है। क्या है? ये largest है, ठीक है। बट क्वेश्चन पेपर में आपसे ऐसे ही पूछा गया था, तो यहाँ सवाल भी ऐसे ही है। हमेशा याद रखना कि जो लार्जेस्ट है वो आपकी अमेजोन है, लॉन्गेस्ट है वो नाइल रिवर है। लेकिन अगर तुमसे कहा जाता है कि दूसरी लॉन्गेस्ट कौन सी है, उस कंडीशन में तुम आंसर अमेजोन मार्क करके आओगे, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाला पॉइंट है क्योंकि गड़बड़ा जाता है कई बार। अमेजोन कंट्री जो याद रखनी है, पेरू और ब्राज़ील दोनों है, बट ब्राज़ील के अंदर इसका ज़्यादा एरिया आता है, जिसकी वजह से यही ऑप्शन में बनता है। अगला, शेड्यूल दैट डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि इसमें से कौन सा वाला ऐसा शेड्यूल है जिसके अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करोगे तो टोटल 22 भाषाएं आपको मिलती हैं, जिसमें से आर्टिकल नंबर, ये तो आपको रट्टा मारना ही मानना है, इसके साथ में एक आर्टिकल ये और एक आर्टिकल ये तीन आर्टिकल आपको मालूम होने चाहिए। इसका आंसर क्या बनेगा? 8th शेड्यूल के अंदर लैंग्वेजेस को मेंशन किया गया है। लैंग्वेजेस के लिए हमारे देश के जो संविधान है ना, उसके अंदर 3 बार चेंजेस भी किए गए। ये चेंजेस पूछ तो लिए जाते हैं, बट फिर भी ध्यान रखना कि कौन कौन से वाले हो जाएंगे अमेंडमेंट, 21, 71 और 92, ये 3 अमेंडमेंट्स किए गए। अगला सवाल, नंबर ऑफ कमांड्स इन इंडियन आर्मी। अब देखो, ये जो सवाल हैं, इन सवालों को हम आपको इस वाले टाइम पीरियड पे सॉल्व ऑलरेडी कराते हैं। तो अगर आप यहाँ क्लासेस को मिस कर रहे हो, अगर आप नहीं देख रहे हो, आपको लग रहा है कि भाई रिविजन करना है, करो रिविजन करो, दैट इज मैंडेटरी। बट सुबह के क्लास को भी गोला मत टिकाओ, क्योंकि वहाँ पे अगर आपने चीज़ों को मिस किया तो कहीं ना कहीं फिर वो बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करेगा, ठीक है। चलो, इसका आंसर क्या होगा? 7 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया की करेंसी क्या है? तो देखो, यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा? दिनार इसका आंसर बनेगा। ये किसकी हो जाएगी? दिस इज ऑफ टर्की। लेकिन अगर आपसे तोमान पूछी जाए तो ये ध्यान रखिएगा कि ये किसकी है? ईरान की नई वाली करेंसी है जो कि अभी लॉन्च करी जाएगी। नेक्स्ट, फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहली गवर्नर, और वो भी लेडी, आंसर क्या होगा? सरोजनी नायडू। स्टेट कौन सा होगा? वही अपना यूपी। और सबसे पहले अगर फीमेल CM भी पूछी जाएंगी तो भी आंसर क्या बनेगा? यूपी। कौन? सुचित्रा कृपलानी। सरोजनी नायडू जो थी, ये सबसे पहली क्या बनी थी? INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सबसे पहली ये फीमेल प्रेसिडेंट भी बनी थी, और ये इंडियन थी, ध्यान दीजिएगा, इंडियन थी। लेकिन अगर आपसे लिख के पूछा जाए फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ INC, उस कंडीशन पे आंसर एनी बेसेंट बनेगा। दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, कहा जा रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गाइड, गाइड के ऑथर का नाम, तो इसका आंसर बनेगा RK नारायण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जो आर्म्ड फोर्सेज होते हैं उसके सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? देखो, ऐसे ही सवाल ऑलरेडी पूछा गया था, अभी शायद 2 दिन पहले मैंने कराया था, तो आप देख रहे हो क्वेश्चन का रिपीटेशन हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन की फ्रेमिंग में चेंजेस आए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, मलेरिया इज कॉज्ड बाय, पहले तो तुम मुझे ये बताओ, मलेरिया के लिए भी हाल ही में WHO ने एक वैक्सीन है जिसको अप्रूवल दिया था, उसका नाम कमेंट बॉक्स के अंदर आना चाहिए। आपसे कहा जा रहा है मलेरिया जो है ये किसके द्वारा होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोटोजोआ। लेकिन इसका वेक्टर क्या होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे लेके कौन जाता है? तो फीमेल एनाफिलीज। अगला सवाल, नेम द एंटी स्टरलाइन
विटामिन, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये विटामिन ई बनेगा। विटामिन ए सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला, और दूसरा विटामिन के, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग का लेना देना इससे है ना, तो इसके ऊपर कई बार सवाल बन जाता है। अगला देखो, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज द केमिकल विच इज ऑप्टेन फ्रॉम द प्लांट, इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि प्लांट से पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा, मालूम है ना किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है इसका, अरे यार मलेरिया भूल गए। चलिए नेक्स्ट देखिए, वट इज़ मेजर्ड बाय सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ का जो इस्तेमाल है वो इसमें से किस चीज़ के मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे अर्थक्विक के मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, और सिस्मोलॉजी इसकी स्टडी को कहते हैं। अगला, विच गैस इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द सोडा वाटर, सोडा वाटर जो है ये किसके प्रिपरेशन के लिए, यहाँ पे देखो यूज़ का पूछा जा रहा है, कौन सी वाली गैस है, तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज, हीमोग्लोबिन के अंदर इसमें से कौन सी चीज़ पाई जाती है। देखो मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगी, जो बच्चे ये क्लासेस तो देख रहे हैं लेकिन प्लीज़ 2 बजे का क्लास गोला मत टिकाइएगा, चाहे आपका स्टेनो का पेपर हो, चाहे आपका एसएससी जीडी का पेपर हो, चाहे यूपीएसआई का पेपर हो, बिकॉज जीएस करंट अफेयर्स दोनों आपको 2 बजे के क्लास के अंदर कराई जाएंगी, कहाँ, अन अकेडमी पे, आधे घंटे का क्लास होगा तो उसे मिस मत करना। आयरन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सुनिएगा, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, क्या हो जाएगा, सेल है, स्मॉलेस्ट यूनिट भी यही होती है, ओके अब सेल मिलके क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू मिलके क्या बनते हैं, ऑर्गन, ऑर्गन्स मिलके क्या बनते हैं, होल बॉडी स्ट्रक्चर ऑर्गेनिजम्स। सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, किस चीज़ को बोलते हैं, देखो पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। अब हमारी बॉडी में सपोज करो टंग है, अब मुझे इतना ज़्यादा बोलना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली बात है कि मैक्सिमम एनर्जी कहाँ चाहिए होगी, टंग पे चाहिए होगी। जब आप वॉक करते हो तो लेग्स को सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो ये जो एनर्जी बन रही है ये कहाँ पे बनेगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है, एटीपी के फॉर्म में। अगला, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने पाए जाते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, 46। और यूजुअली अगर आप देखें तो ये इस तरीके से लिखा होता है, 23 पेयर्स करके लिखा होता है। टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, यहाँ पे बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है बच्चों में, बूढ़ों में या फिर एडल्ट में, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, तो सिंपल टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 650 मार्क करके आओगे, 302, 309 ये सब मार्क करके मत आइएगा। नेक्स्ट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी किसे कहा जाता है, फंडामेंटल यूनिट का मतलब हो गया स्मॉलेस्ट पार्ट या स्मॉलेस्ट थिंग किसकी, किडनी के अंदर, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा नेफ्रॉन। नेक्स्ट, कौन सा ऐसा बैक्टीरिया होता है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, घिसा पिटा सवाल है, हर पेपर के अंदर ये सवाल बनता है, तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर, ये होगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टो, मिल्क को हम लैक्टो से ही तो रिप्रेजेंट करते हैं, तो बस इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्वेश्चंस यहाँ पे करा दिए, अभी आपसे मिलेंगे 6:45 AM शार्प। इसके अलावा प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके जो दोनों स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेगा, और अगर इन केस कोई भी क्लास लॉगिन करने में या ओपन होने में कोई दिक्कत आए, कोई कोड पूछे, तो वहाँ पर आप इस कोड को मेंशन कर सकते हो, आप इजीली उसको लॉगिन कर पाओगे। अगर आपने पेड बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आपके लिए नया पेड बैच स्टार्ट हो गया है, इंट्रोडक्शन क्लास अभी हुआ है, जहाँ पे आपको पूरा स्टडी मटेरियल हर एक एजुकेटर का क्लास मिलेगा जो भी एसएससी के अंदर पढ़ाते हैं। नया बैच अभी 10 तारीख से शुरू हुआ है, कोड आपको प्रति 10 यूज़ करना है। अगर आपका ये बैच छूट गया था तो 10 तारीख से जो बैच शुरू हुआ आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। एक साल का ज्वाइन करने पे अगर फी इतनी है तो कोड जब आप ये लगाओगे इस जगह पर, जब आप इस कोड को लिखोगे प्रति 10, तो ये अमाउंट 10% कम हो जाएगा। इस पे कॉइन्स को भी लगा दो और कम हो जाएगा। कैसे ज्वाइन करना है, तो अनअकैडमी ऐप पे जाइए, गोल्स में एसएससी को सेलेक्ट करिएगा, वहाँ पे आपको सफलता बैच या सक्षम बैच के नाम से बैच मिलेगा, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये ध्यान रखिए, इसमें जीएस, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, ये चारों के चारों चीज़ें आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई जाती हैं, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर ये चार सब्जेक्ट आपके पेपर में आते हैं देन यू कैन ज्वाइन दिस। ऑलराइट, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से 6:45 AM शार्प। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।